पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आमीन। चलो याद रखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए। उसने कह दिया कि मैं तेरे ऊपर जल बरसाऊंगा, पर ये सब सारी चीजें आप में कैसे होने लगेंगी, ये सब सारी चीजें आप में कैसे आएंगी, ये चीज को हमें समझने की जरूरत है। आमीन। चलिए फिर से पढ़ाइए 5 और उसका 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमीन। किससे उत्पन्न होना है? परमेश्वर से उत्पन्न होना है, पैदा होना है। अभी तक हमें किसी और ने पैदा किया, पर अब हमारी पैदाइश भी आत्मिक होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? लिखा क्या है? यीशु पिता समझा रहे हैं कि, फिर से पढ़िए, वहां कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ परमेश्वर उसे बचा के रखता है। आमीन। और शैतान उसे छूने नहीं पाता, बीमारियां उसे छूने नहीं पाती। सीधा सीधा शब्दों में लिखा है वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। उस व्यक्ति को, उस बेटे और बेटियों को जो पैदा हुआ है आत्मिक रीत से। आमीन। प्रथम पैदाइश हमारी शारीरिक है, शरीर ने शरीर को जन्म दिया, पर आत्मा आत्मा को जन्म देगा। सुनो, शरीर किसको जन्म देता है? शरीर को। हां या ना? आप बचना चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बचा के रखे? तो क्या आपको होना है? उत्पन्न होना है, आपकी पैदाइश स्पिरिचुअल होना है, आपकी पैदाइश आत्मिक होनी चाहिए। आप जानते हैं कि एक शरीर को पैदा करता है, सही है? शरीर शरीर को पैदा किया तो उसमें शारीरिक गुण दिखाई देते हैं, हाँ या ना? शारीरिक दशा पाप की दशा मानी जाती है, और जब एक शारीरिक दशा किसी शरीर को पैदा करती है तो उसमें रोग और बीमारी और समस्या और तमाम जादू टोने का असर दिखाई देता है। पैदा होते ही एक काला ताबीज, पैदा होते ही एक काला धागा, पैदा होते ही ये तमाम ऐसी चीजें आप उसे लपेट देते हो और दिखने लगता है उस शारीरिक पैदाइश का असर। शारीरिक पैदाइश का असर उस बच्चे में दिखता है कि नहीं, बोल के बताओ? और जैसे वो इस धरती के ऊपर आता है उसके जीवन में आंसू के साथ शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत आंसुओं से होती है। वो एक शारीरिक पैदाइश है जहां पर आनंद की उम्मीद नहीं की जा सकती, जहां पर अनुग्रह की उम्मीद नहीं की जा सकती, जहां पर एक अनुभव, आत्मिक अनुभव नहीं किया जा सकता। लाखों और कोसों दूर, लाखों दूर, लाखों कोसों दूर आनंद समझा जाता, वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर फिर से समझो, आगे 18 फिर से देखिए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वाह, अद्भुत, अद्भुत। परमेश्वर से पैदा होना है। हेलो, किससे पैदा होने आप लोगों को? हमारी पैदाइश, पहली पैदाइश किससे हुई? शारीरिक, एक शारीरिक माता पिता ने एक शरीर को क्या कर दिया? पैदा कर दिया, हाँ या ना? उस शारीरिक पैदाइश में क्या आत्मिक बल दिखाई देता है? जैसे ही वो शरीर शरीर को पैदा करती है, तमाम रोग और बीमारियां और असफलता, आंसू, निंदा, व्याकुलता उस शरीर का हिस्सा बन जाता है, सही है कि नहीं? लेकिन आज की तारीख सोच लेना, परमेश्वर कहता है यदि तू मुझसे पैदा होगा तो दुष्ट तुझे छूने नहीं पाएगा।
बीमारी तुझे छूने नहीं पाएगी। वो लिखा है कि मैं तुझे बचा कर रखूंगा। इतना इंटरेस्ट क्यों है प्रभु को, इतना रुचि क्यों है? क्योंकि आप उसके वंश बन जाते हो। परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि आपका अभिजीवन आत्मिक स्वभाव में हो जाए, आप उसके वास्तविक संतान बन जाओ। आमीन। हो तो आप शरीर में, लेकिन आप वास्तविक संतान बन सकते हो। किसके? परमेश्वर के। परमेश्वर आत्मा है। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, पर जो परमेश्वर से पैदा हुआ, परमेश्वर से पैदा होना, पड़ोसी को बोलो परमेश्वर से पैदा होना, परमेश्वर हमें पैदा करे। अभी किसने पैदा किया? आपके माता पिता ने? आपके माता पिता ने आपको पैदा किया कि नहीं? पर माता पिता ने जो हमें पैदा किया, हम माता पिता के आसार को देखते हैं, सही है? हम माता पिता की शक्ति को अपने शरीर में देख पाते हैं, माता पिता के स्वभाव को अपने बॉडी में देख पाते हैं, सही है? पर हां, उस दुष्ट से लड़ने की ताकत हमें नहीं होती, उस अंधकार से लड़ने की ताकत हमें नहीं होती, उस जादू टोने से लड़ने की ताकत हमें नहीं होती, उस बीमारी को हराने की ताकत हमें नहीं होती, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पता लगा माता पिता पैदा तो कर दिया, माता पिता खुद ही बीमार हो गया। पर इधर देखो, ये आपका पिता क्या कह रहा है, फिर से सुनो ध्यान से, हमारे साथ पढ़िए। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से पैदा हुआ वह उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। एक शारीरिक पैदाइश और एक आत्मिक पैदाइश क्या है? शरीर ने शरीर को पैदा कर दिया, वहां पर हमला शैतान का था, वहां पर हमला बीमारी का था, वहां पर हमला गरीबी का था, वहां पर हमला लड़ाई मुकदमे और तमाम समस्याओं का था, क्योंकि एक शरीर ने एक शरीर को क्या किया? तो शरीर क्या है? नाशवान है। शरीर क्या है? शरीर खत्म होगा, उसका एक टाइम है, वो लिमिट है। पर जो आज हम बाप की बात कर रहे हैं, आपकी पैदाइश अब किससे होने वाली है, ये बात को प्रभु कह रहा है। अभी तक आप शारीरिक लालसाओं में जिए, क्योंकि आपकी पैदाइश शारीरिक थी। अभी तक आप व्यभिचार में जिए, आपकी पैदाइश व्यभिचार को छोड़ना चाहते थे, नहीं छोड़ पाते थे। अभी एक जवान पति पत्नी गवाही दे रहे थे खड़े होकर के, मैं नशा छोड़ना चाहता था। क्या वो छोड़ पा रहा था? वो अपने जीवन में कभी भी इसको वो समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर ध्यान से सुनो, आज जहां पर आप बैठे हो, आपको परमेश्वर अलौकिक करेगा। आपको कहना है, प्रभु अभी तक तो मैं शारीरिक माता पिता से पैदा हुआ हूं और मैं इस हर कदम पर मैं फेल हो रहा हूं, मैं गंदे काम नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मुझे दबा देता है। व्यभिचार में नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मुझे दबा देता है। बेईमानी नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मुझे दबा देता है। व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मुझे दबा देता है। पर मेरी इच्छा है आप मुझे पैदा करें। यह अलौकिक होगा। अगर आपका पापा वो हो जाएगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, बोल के बताओ। हा, होगा कि नहीं? वो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान के आप पुत्र और पुत्रिया बने, कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं महत्वपूर्ण? क्योंकि परमेश्वर क्या है? शरीर है कि आत्मा है? वो एक आत्मा है। तो आत्मा आत्मा को क्या करता है? जन्म देता है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं।
ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।